नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो अब हम अगली पेंटिंग जो कि है मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग वो करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, डेवलपमेंट कहाँ से हुआ और कौन से इसके सब स्कूल्स थे पेंटिंग के, ठीक है। तो ओरिजिन और डेवलपमेंट सबसे पहले, इन मिडाइवल इंडिया मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग वॉज रिकॉग्नाइज एज द आर्ट ऑफ आर्सिटोक्रेसी के नाम से जाना गया मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग को, ठीक है। मुगल आर्ट जो था वो काफी डिफरेंट था, कहाँ से, सुल्तनत आर्ट से और इस्लामिक आर्ट से, ठीक है, जो कि मुस्लिम एम्पायर जो थे, बिस्के इस्लामिक आर्ट जो था वो कहाँ पे प्रिवेलेंट था, जो डेक्कन का मुस्लिम एम्पायर था वहाँ पे, क्योंकि जो स्टाइल ऑफ आर्ट और ह्यूमन फिगर था वो मुगल आर्ट में और इस्लामिक आर्ट में, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि आर्टिस्ट ऑफ द इस्लामिक आर्ट केम फ्रॉम इस्लामिक वर्ल्ड, जो इस्लामिक आर्ट के जो आर्टिस्ट थे वो इस्लामिक वर्ल्ड से आए थे, जैसे कि पर्शिया और ईरान से और कुछ तुर्की से भी थे। द पेंटिंग पेंटेड बाई देम आर इंडियन ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट दैट दे वर पेंटेड ऑन इंडियन ग्राउंड। ये जो भी पेंटिंग था इस्लामिक वो कहाँ पे बनाया गया था, इंडिया के ऊपर बनाया गया था, क्योंकि ये इंडियन बैकग्राउंड से एग्जिस्ट करते थे। बट द फीलिंग ऑफ इंडियननेस वॉज नॉट देम एट ऑल, बस एक नाम था कि ये इंडिया की पेंटिंग है, बट देखा जाए तो एक्चुअली में लगता नहीं था कि ये इंडिया की पेंटिंग बनाई गई है, बस एक कह दिया गया कि हाँ ये इंडिया के ऊपर पेंटिंग है। द व्यू ऑफ मुगल आर्ट वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम सुल्तनत आर्ट इन इस्लामिक वर्ल्ड, ये देखा ही आपने, मुगल आर्ट जो था काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था सुल्तनत और इस्लामिक आर्ट से। इट वॉज नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो लुकड इंडियन, ये सिर्फ इंडिया नहीं था, जो आपका अब इस कहने का ये मतलब है कि जो मुगल पेंटिंग था ये सिर्फ देखने में इंडिया नहीं था बट एक्चुअली में इंडिया था, लेकिन इस्लामिक और सुल्तनत क्या था, बस देखने में इंडिया था बट एक्चुअली में इंडियन नहीं था। द आर्टिस्ट ऑफ द पीरियड हैज इनिशिएटेड रिप्रेजेंट द इस्लाम इवन इन इंडियन स्टाइल, जो मुगल एम्पायर के जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने इस्लाम को भी इंडियन स्टाइल में दर्शाया विद द इंडियन सब्जेक्ट मैटर, इंडियन सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से, इन द वे द मुगल आर्ट वॉज नॉट इस्लामिक डॉल आर्ट। बट अगर देखा जाए तो मुगल जो था वो इस्लामिक आर्ट का कहीं से भी नजर नहीं आया, ओनली द इस्लामिक एलिमेंट वर इंक्लूड इन द टू मेक प्रोस्पेरस, सिर्फ उसमें इस्लामिक के जो भी मैटर थे उनका उसमें एलिमेंट्स थे उनका उसमें यूज किया गया ताकि थोड़ा सा लगे, थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए। इसका डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के हिसाब से तीन फेजेस थे मुगल आर्ट के। तो फर्स्ट फेज जो था दैट इज आर्ट ड्यूरिंग अकबर पीरियड, अकबर के पीरियड में जो आर्ट हुआ था। देन सेकंड वन इज आर्ट ड्यूरिंग जहांगीर और थर्ड वन इज आर्ट ड्यूरिंग शाहजहां पीरियड, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सबसे पहला आपका आर्ट ड्यूरिंग अकबर पीरियड में क्या था। तो अकबर इज एक्नॉलेज्ड एज द फादर ऑफ मुगल आर्ट, मुगल आर्ट का फादर के नाम से जाना जाता है अकबर को, क्योंकि उनके यहाँ पे दो रूलर थे दैट इज बाबर एंड हुमायूं, रिमेन बिजी इन एस्टेब्लिंग द अम्पायर, अम्पायर को बनाने में बिजी रहते थे। व्हेन 13 ईयर ओल्ड अकबर बिकम किंग, जब ये किंग बने 13 साल की उम्र में, ठीक है, ही नॉट ओनली एस्टेब्लाइज द मुगल अम्पायर विद इंस्टेंट स्किल एट द एक्सपर्ट लीडरशिप बट ऑल्सो इनकरेज हिज आर्किटेक्चरल स्किल, ना कि ये सिर्फ है ना इंटेलेक्चुअल स्किल था उनको इन्होंने अपना आधार बनाया, बल्कि इसके अलावा जो इनकी और भी स्किल्स थी किसमें, इंटेलेक्चुअल और लीडरशिप, उनको भी इन्होंने इनकरेज किया एंड आर्किटेक्चरल स्किल, ठीक है, इसमें भी अपना योगदान अच्छे से दिया। उसके बाद आर्ट स्किल में इन्होंने अपना योगदान दिया एंड बुक राइटिंग स्किल्स, फॉर द पिक्चराइजेशन ऑफ द बुक ही एस्टेब्लिश्ड अ तस्वीर खाना हाउस इन हिज कोर्ट, इन्होंने पिक्टोरियल फॉर्म में बुक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए तस्वीर खाना नाम की एक हाउस बनाई अपने कोर्ट में। ही गॉट अ पेपर मिल एस्टेब्लिश्ड इन सेल कोर्ट नाउ इन पाकिस्तान, जो कि अभी पाकिस्तान में है सयाल कोर्ट, ठीक है, उनको भी इन्होंने एस्टेब्लिश किया, एक पेपर मिल था, टू मेक कंपलसरी एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ पेपर, ताकि पेपर की कमी ना हो पेंटिंग के दौरान या बुक्स के दौरान, दैट्स वाई इन्होंने ऐसा किया, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ द गुड एटीट्यूड ऑफ अकबर टुवर्ड्स हिंदू एंड अदर रिलीजियस दैट टुडे वी ऑब्जर्व इंक्लूजन ऑफ द बेस्ट इंडियन एज वेल एज द बेस्ट इंडियन एलिमेंट एंड थीम ऑफ आर्ट। अकबर जो थे, ठीक है, इनका हिंदू के प्रति और हिंदू रिलीजन के प्रति जो व्यवहार था काफी अच्छा था, दैट्स वाई अभी भी हम उनके जो थीम थे इस्लामिक एलिमेंट के आर्ट का जो थीम था बेसिकली उसको आज भी हम अपना महत्वपूर्ण देते हैं। द आर्टिस्ट ऑफ अकबर कोर्ट वेरी ब्यूटीफुली इंक्लूडेड इस्लामिक वैल्यूज एंड रूरल इरानियन थीम्स विद द हिंदू स्टाइल, इसी वजह से जो अकबर के आर्टिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने ईरानियन थीम को और साथ ही इस्लामिक थीम को भी काफी ज्यादा महत्व दिया। सो द आर्ट कुड गेट न्यू डायरेक्शन ड्यूरिंग हिज पीरियड, इस वजह से जो आर्ट को एक नया दिशा मिला, एक नई दिशा में आर्ट जो है शुरू हुआ। इन द अकबर कर्टियर द पेंटिंग सो द आर्ट हिंदू पेंटर्स वर इन मेजोरिटी बट दे वर टू वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ टू इरानियन मास्टर,
इस वजह से जो हिंदू हिंदू पेंटर थे ठीक है उनकी मेजोरिटी थी, लेकिन जो वर्क उन्होंने जो भी वर्क किया वो ईरानियन के अंदर में किया, दैट इज मीर सैयद अली और अब्दुस समाद। अब्दुस समाद और मीर सैयद अली जो थे बिल्कुल ईरानियन मास्टर आर्टिस्ट थे, उनके अंडर में जो हिंदू पेंटर्स थे वो काम करते थे ठीक है। ओके अलग अलग स्टाइल में पेंटिंग बनाना शुरू हुआ, ये जो दोनों आर्टिस्ट थे वो अलग अलग स्टाइल में पेंटिंग भी बनाते थे। अकबर डिड नॉट गेट फॉर्मल एजुकेशन, उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया, सो ही इज नोन एज इलिटरेट किंग, इसलिए इलिटरेट किंग के नाम से जाना जाता है। बट ही गॉट ट्रांसलेटेड द बेस्ट इंडियन लिटरेचर इनटू पर्शियन, बट उन्होंने इंडियन लिटरेचर को बहुत ही अच्छे से पर्शियन में क्या किया, चेंज किया था, ट्रांसलेट किया था बेस्ट पर्शियन लिटरेचर इनटू हिंदुस्तानी, और पर्सियन जो था उसको हिंदुस्तानी में चेंज किया। इट इज एक्सेक्टेड दैट व्हेन अकबर डाइड देयर वर अबाउट 24,000 इलस्ट्रेटेड मेनुस्क्रिप्ट, जब अकबर डाइड किया तो उस टाइम के कितने मेनुस्क्रिप्ट थे 24,000 ठीक है। अब द वर्ल्ड फेम लिटरेचर इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में पाया गया। इट रिवील्स दैट टुगेदर विद टॉलरेंस हाउ स्किल्ड ही वाज इन आर्ट नॉलेज एंड इलेक्ट्रेक्चुअल मैटर, तब देखा गया कि भाई अकबर कितने ज़्यादा टॉलरेट करते थे किसमें, आर्ट में और नॉलेज में, और उनके पास जितने भी इलेक्ट्रेक्चुअल मैटर थे उसमें इनकी नॉलेज अपार थी, बहुत ज़्यादा थी। अकबर्स रिजाइन वॉज द इनिशिएटिव पीरियड ऑफ द मुगल आर्ट ठीक है। नेवरलेस इन दिस पीरियड द प्रेफरेंस वॉज गिवेन टू सिस्टमैटिक एंड सीरियल पेंटिंग इन द सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स ऑफ रामायण, महाभारत, हरिवंश पूर्ण, हमाजनाम, सहनामा, तूतीनामा, बाबरनामा एक्सेट्रा, इन सब में इन जो पेंटिंग थी अकबर की वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। इन दिस पीरियड अ फ्यू पोर्ट्रेट्स वर पेंटेड, जैसे कि बट द वोमेन पोर्ट्रेट्स वर नॉट अलाउड टू पेंट, उसमें कई सारे पोर्ट्रेट भी बनाए गए बट वोमेन के ऊपर कोई भी पोर्ट्रेट बनाना अलाउ नहीं था ठीक है। कैरेक्टर्स की बात करें तो इन दिस पेंटिंग वी कैन सी द कोऑर्डिनेशन विद द एक्सेलेंट कलर मिक्सचर, क्लियर एग्जीक्यूशन, वाइब्रेटिंग और गाइडलाइनिंग लाइंस, 2 मिनट डेलिनिएशन, ओवर क्राउडेड बट बैलेंस फिगर, potential demonstration, balanced body, assemblies, pretty round faces and full face screen, ये सब के सब इनके क्या थे characteristics है, यानी कि ये खासियत रही इनकी paintings की। उसके था art during Jahangir period, तो Jahangir was very sharp-sighted and sensitive against the charming beauty of both humans and nature, इनके painting में basically किस चीज़ पर गौर किया गया, human और जो nature थे उसकी beauty के ऊपर। poeticism and imaginativeness was present in Jahangir character, इसमें जो था पोएटिसिज्म और इमेजिनेटिवनेस ये इनके जो कैरेक्टर्स थे इसमें ये खास बात रही। द इम्प्रेशन इन पेंटिंग ऑफ हिज पीरियड आर मोर एविडेंट ठीक है। द पेंटिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल आर काउंटेड अमंग द बेस्ट पेंटिंग ऑफ द वर्ल्ड, बर्ड्स और एनिमल्स की जितनी भी पेंटिंग बनी वो जहांगीर की पेंटिंग की सबसे खासियत रही, यानी कि सबसे ज़्यादा वो फेमस हुआ। जहांगीर के पीरियड में जो था रिजीम रिकॉन्लिनेशन एंड द यूरोपियन वर्ल्ड इंक्रीज, ये सब इंक्रीज हुआ। कंसिक्वेंटली यूरोपियन एलिमेंट ऑफ आर्ट, लाइट एंड शैडो एंड फीलिंग ऑफ थ्री डायमेंशनल एसेप्ट, यानी कि 3D इमेज भी बनाया गया, वर इंक्लूडेड इन इंडियन आर्ट, और इसमें इंडियन आर्ट में भी इसका भी उदय हुआ। देन थर्ड वन इज आर्ट ड्यूरिंग शाहजहां पीरियड, तो शाहजहां ने किस चीज़ के ऊपर प्रेफर किया, तो आर्किटेक्चर के ऊपर ना करके पेंटिंग से, यानी कि अगर मैं कहूँ तो पेंटिंग से ज़्यादा इन्होंने आर्किटेक्चर पर ध्यान दिया। फॉर दैट वेरी पर्पज द आर्ट ऑफ हिज प्रोड्यूसर मुगल अल्थोक रिमेंड कंटिन्यू एट इट वॉज नॉट इफेक्टिव एज बिफोर, उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ बट फिर भी आर्ट का जो था कहीं ना कहीं स्कोप दिखाई दिया। एक्सेप्ट अ सेलेक्टेड फ्यू लव स्टोरीज सच एज दार्सिक रानाडील ठीक है, बाजा भदूर, रूपमती, लैला मजनू एंड द सीरियलाइज्ड पेंटिंग ऑफ डिफरेंट थीम वॉज एबॉन्डेंट, ये सब यहाँ पे देखने को मिला, अदरवाइज बाकी पेंटिंग का उतना स्कोप यहाँ पे नहीं था। इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, तो द डेलिनेशन एंड अप्लाइड सब्जेक्ट सच एज इंडिविजुअल डेलिनेशन, कोटली सीन इसमें दिखाया गया, पैगेंट्स थे, फेस्टिवल्स के ऊपर थे, पिकनिक्स थे एक्सेट्रा, वॉज स्टार्टेड टू बी लाइक, ये सब इनके में यानी कि जो थी इन सबको महत्व दिया गया। नेचर एंड बैकग्राउंड वॉज मोर प्लेसिड, टेंडर, अट्रैक्टिव, डेकोरेटिव एलिमेंट वर स्टार्टेड गिव अ प्रेफरेंस, डेकोरेटिव एलिमेंट को भी प्रेफरेंस दिया जाने लगा। रोमांटिक एंड फैटिटियस शाहजहां डिड नॉट लाइक वायोलेंस एंड यूजलनेस एट ऑल, फॉर दैट वेरी पर्पज इन द पेंटिंग ऑफ हिज पीरियड देर इज एन एबसेंस ऑफ सच डेलिनेशन लाइक हंटिंग, एनिमल फाइट, वायोलेंस, वॉर, इन सब को इन्होंने प्रेफरेंस नहीं दिया ठीक है। इनका जो था बेसिकली लविंग के ऊपर, फेस्टिवल्स के ऊपर, पैगेंट्स के ऊपर मेन इनका क्या था फोकस था ठीक है। उसके बाद आया डिक्लाइनिंग ऑफ मुगल आर्ट, ये डिक्लाइन क्यों हुआ, औरंगजेब वॉज एन ऑर्थोडॉक्स ऑफ मुस्लिम, मुस्लिम के ऑर्थोडॉक्स थे, देयर वॉज नो प्लेस फॉर ऑल द फॉर्म्स आर्ट इन डिजाइन, इन्होंने आर्ट को कोई भी डिजाइन नहीं दिया, देयर नो वर्क हैज लेफ्ट
फॉर द आर्टिस्ट पेंटर आफ्टर डिक्लाइनिंग ऑफ मुगल कोर्ट. मुगल कोर्ट का जब डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद आर्टिस्ट और पेंटर्स के लिए कोई भी जगह नहीं रह गया, कोई काम नहीं रह गया. सो दे स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंट प्रोविंस एंड स्टेट. इसलिए वो इंडिपेंडेंट प्रोविंस और स्टेट की तरफ जाने लगे. वेयर एवर दोज आर्टिस्ट वेंट कैरिड विद देम द स्टाइल ऑफ मुगल पेंटिंग एंड द आर्ट. ठीक है, मुगल पेंटिंग और आर्ट की तरफ इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा वहाँ से रुख मोड़ लिया. बट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द डिमांड ऑफ द टाइम, लाइकनेस, डिसलाइकनेस एंड इंटरेस्ट ऑफ न्यू पैटर्न्स एंड द एलिमेंट आर एग्जिस्टेड बिफोर हैंड. इससे पहले जो था ये सब एग्जिस्ट करता था. द न्यू उसके बाद क्या, द स्टाइल ऑफ मुगल आर्ट वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन पेंटिंग. इसको भी महत्व दिया गया. इन दिस वे द न्यू स्टाइल वॉज डेवलप्ड विद द ब्लेंड बोथ ऑफ स्टाइल विद नोन एज प्रोविनिकल मुगल स्टाइल. इसके बाद प्रोविनिकल मुगल स्टाइल का जन्म हुआ. ठीक है, अवध बिकम द लीडिंग सेंटर ऑफ दैट न्यूली डेवलप्ड स्टाइल ऑफ पेंटिंग. इसके बाद अवध जो था, इसमें हम देखेंगे कि अवध जो था बेसिकली वो एक नया सेंटर बन गया पेंटिंग के लिए. वेयरस इन दातिया पेंटिंग वर्क कंटिन्यूड इन प्योर मुगल स्टाइल फॉर अ लॉन्ग टाइम. इसका दातिया में देखा गया कि भाई प्योर मुगल फॉर्म में पेंटिंग अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है. यानी कि मुगल जब एम्पायर का डिक्लाइन हुआ उसके बाद जो पेंटिंग फेमस हुआ किस प्रोविनिकल मुगल स्टाइल में, वो अवध में और दातिया में देखने को मिला. ठीक है, इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियोस में अगली पेंटिंग के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.